Hello, class 9th. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2 from Political Science, India's Foreign Policy, Bharat ki Videsh Niti. Abhi Bharat Videsh Niti kya hai, kaise start hui, aur iske kya hai? To hume sabse pehle to pata hi hai ki hamare pehle Prime Minister kaun the? Pandit Jawaharlal Nehru. Unhone Foreign Policy ki ek neev rakhi, aur wo jo neev rakhi hai, jo foundation hai, wo डिपेंड करता है इस पंचशील सिद्धांत पे। अब ये पंचशील क्या है? ये पंचशील का जो सिद्धांत है, द फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नोन एज पंचशील थ्योरी, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर इंटरनल अफेयर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल यूनिटी इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी। अब संस्कृत में मतलब पांच का मतलब होता है फाइव और शील का मतलब होता है वर्चू। तो देखते हैं कि फाइव प्रिंसिपल्स क्या है। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि जो भी राष्ट्र है उन सबको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई आप अपना देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी आपकी इंटरनल चीजों का, आपकी इंटीग्रिटी का, आपकी सॉवरेनिटी का, और आप हमारा सम्मान करिए। दूसरा म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, माने हम अग्रेसिव नहीं होंगे एक दूसरे के लिए। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स अगर जो किसी देश के कुछ हैं उनमें हम आपस में एक दूसरे को फेयर नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बेनिफिट शेयर करेंगे, इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, पीस को एग्जिस्टेंस शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो ये जो सिद्धांत था फाइव प्रिंसिपल का, जिसको पंसिल कहा गया, ये देख रहे तो एक तरह से इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बेस बना। और इसको बनाया किसने? इसको बनाया हमारे जनरल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात हो गई कि पंसिल सिद्धांत क्या है और इसके ऊपर हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कितना डिपेंड करती है। अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको हम कई फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब पहला फेज क्या होगा? पहला फेज तो ये होगा, जो फर्स्ट फेज है वो 47 से लेके 62 तक चलेगा, जो ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। इस पीरियड में क्या था, कोल्ड वॉर हो रही थी, तो दुनिया बायपोलर वर्ल्ड हो गया था विद कैंप्स लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर। तो नेहरू जी ने क्या सोचा, भैया हम ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। तो इंडिया वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू बी डीकोलोनाइज, दस इट वॉज natural for India to lead Asia and Africa in quest for more equitable world order. तो ये start किया गया non-alignment movement। तो उसमें हम इधर रहेंगे ना उधर, हम अपना चुपचाप शांति से रहेंगे, ठीक है। लेकिन 62 में जो conflict हुआ चाइना के साथ, however the 1962 conflict which not only the brought this period to an end, but in a manner that significantly damaged India's standing on NAM। अब NAM क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो हमारी पॉलिसी थी वो 62 में कहीं ना कहीं डैमेज हो गई। तो जो पहला फेज था इन फॉरेन पॉलिसी का, आप देख रहे हैं कि नेहरू जी खड़े बीच, 47 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और 62 में चाइना वार हुई। तो जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट था, जो हमारी सोच थी, वो क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब सेकेंड फेज आएगा 62 से 71 का, अ डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी रियलिज्म। तो ये जो सेकेंड फेज है, रियलिज्म एंड रिकवरी। अब रियलिज्म जो है वो रियल और इज्म से मिलके बना है। रियल का मतलब होता है असली और इज्म का मतलब आइडिया, हकीकत का अंदाजा लगा हमें कि डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी, कि अभी यार परिस्थितियां बदल रही हैं, देश दुनिया बदल रही है और अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब ज्यादा दिन नहीं, ये पॉलिसी नहीं चलेगी, रिकवरी। तो 1962 के वार के बाद में क्या होता है, इंडिया मेड अ प्रैग्मेटिक चॉइस ऑन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना। इट लुक बियॉन्ड नॉन अलाइनमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कंक्लूड अ नाउ लार्जली फॉरगॉटन डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएसए 1964। तो ये महसूस किया गया कि भाई ये नॉन अलाइनमेंट का जो है वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की दिक्कत हो सकती है, तो हमने एक एग्रीमेंट किया, न्यू लार्जली फॉरगॉटन डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएसए 1964। हाउएवर इंडिया फेस्ड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कश्मीर, तास्कंद एग्रीमेंट 65 फ्रॉम यूएस एंड यूके।
उधर एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने लगे कश्मीर को लेके, जो तास्कंद एग्रीमेंट हुआ था 65 में यूएस और यूके के थ्रू। अब तास्कंद एग्रीमेंट जो था, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड टू विड्रॉ ऑल आर फोर्सेस टू प्री वॉर मिशन टू रिस्टोर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड टू डिस्कस इकोनॉमिक रिफ्यूजी एंड अदर क्वेश्चंस। हाउएवर द एग्रीमेंट डिड नॉट कंटेन अ नो वॉर पैक्ट और एनी री इन्विकेशन ऑफ पाकिस्तान एग्रेशन कश्मीर एज पाकिस्तान वॉज एन एलाई ऑफ द यूएस। देयर फॉर इंडिया नाउ स्टार्टेड टिल्टिंग टूवर्ड्स यूएसएसआर। अब ये जो 62 की जो वार होती है चाइना के साथ में नेहरू जी के टाइम पे, तो वो हमारे लिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो पनसिल का कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ। तो हमने 62 के बाद में क्या रिकवर किया, रिलीजन, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया, अपने आप की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को थोड़ा और विल पावर को बढ़ाया गया, कई सारे चेंजेस किए गए जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस से लेके कई सारे मेजर डिसीजन लिए गए। लेकिन 65 में फिर वार होती है पाकिस्तान के साथ, और वहां पे एक ताशन एग्रीमेंट होता है। अब उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टी पीछे चली जाए और डिप्लोमेसिक रिलेशन मेंटेन करें, और कश्मीर के लिए बार बार कश्मीर के लिए कि मतलब यहाँ पे ये करो वो करो। तो जब इंडिया ने देखा कि इतना सब हो रहा है, तो इंडिया जो था वो यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा झुक गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिससे वो अलाई बन गया यूएस का, जैसे नाटो, वाटो के साथ। नाटो के साथ डायरेक्ट उसका नहीं था, लेकिन तो भी वो उनके साथ में अलाई बना रहा। तो हमें भी रशिया के साथ जाना पड़ा जो उस समय का यूएसएसआर था। अब आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज से 71 से लेके 91 तक का ग्रेटर इंडिया रीजनल असरेशन। इंडिया शुड रिमार्केबल यूज ऑफ हैंड पावर व्हेन इट लिबरेटेड बांग्लादेश इन द इंडिया पाकिस्तान इन 71। अब इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि इंडिया भी पावरफुल है और ये देशों को चेंज कर सकता है, फॉर्मेशन का पूरा सिस्टम चेंज कर सकता है। तो हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराने में मदद की और एक नया देश बना। However, it was a particularly complex phase as the US-China-Pakistan axis that came into being at this time seriously threatened India's prospect as a regional power. लेकिन एक नया एक सिंडिकेट बन गया, यूएस, चाइना और पाकिस्तान। अब ये जो पूरा एक्सिस था, इसका काम है कि इंडिया को थ्रेट करना एज अ रीजनल पावर। तो पाकिस्तान ने अपने दो बड़े गॉडफादर बना लिए, तब चाइना एक तरफ यूएस, और उन दोनों के थ्रू इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना। इंडिया, अब हम क्यों नहीं जा रहे थे चाइना और उसके साथ में, यूएस के साथ में, क्योंकि हम तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करते ना, नेहरू वाली। लेकिन जब 62 की बार हुई तो हमने थोड़ा सा उसमें चेंज किया और हम यूएसएसआर के साथ जाके खड़े हो गए। अब यूएसएसआर के साथ में यूएस शांति नहीं, तो इसलिए यूएसए ने साथ दिया हमेशा से पाकिस्तान का, और वो पहले से उसके साथ था क्योंकि उसको मिडिल ईस्ट में कंट्रोल चाहिए था। चाइना ने भी पाकिस्तान को पकड़ा, क्यों? क्योंकि उसको इंडिया के अगेंस्ट यूज करना है। इंडिया आल्सो फेस सैंक्शन फ्रॉम यूएस एंड इट एलाइज आफ्टर कंडक्टिंग ए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट टेस्ट 1974। अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हमारे ऊपर जब हमने पोखरण में पहला न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन टेस्ट किया। फर्दर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इंडिया क्लोज अलाई एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 कंपेल इंडिया टू लुक अगेन एट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। अब यूएसएसआर का कोलेप्स हो गया, वो बन गया रशिया और छोटे छोटे राज्यों से बन गए, पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। तो हमको फिर से सोचना पड़ा कि जो प्रिंसिपल है हमारे डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी के, उनको एक बार क्या फिर से रीथिंक किया जाए और कुछ चेंजेस किया जाए। तो क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो अलाई था पावरफुल, वो यूएसएसआर अब नहीं रहा, अब वो रशिया बन गया। The combination of events as diverse as the Gulf War, the breakup of USSR, long-standing economic stagnation, and domestic turbulence came together in 1991, creating a balance payment crisis in India. अब जो गल्फ वॉर होती है 1991 से 1992 में, तो क्या होता है जो पेट्रोल और डीजल यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है वो काफी बढ़ जाता है, और उसी समय ब्रेकअप यूएसएसआर का यानी यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, और दुनिया भर में जो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक स्टेग्नेशन था। स्टेग्नेशन का मतलब क्या हुआ, जो स्टार जैसे कहते हैं, जो मतलब एक स्टेबिलिटी जो होती है
डोमेस्टिक टर्बुलेंस वो बिगड़ गई, तो डोमेस्टिक टर्बुलेंस भी हुआ और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था वो भी बिगड़ा। ये सब कुछ 1991 में हुआ। तो जो एक क्रिएटिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया, तो पेमेंट क्राइसिस का जो एक बैलेंस होता है वो पूरा पेमेंट क्राइसिस हो गया, बैलेंस पूरा बिगड़ गया। फिर हमने फोर्थ फेज को हम डिवाइड कर सकते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि गल्फ वॉर हो रही है या कुछ भी दुनिया में कुछ हो रहा है तो उसका असर हर कंट्री के ऊपर पड़ता है। तो देखा जाए तो हमने तीन फेज डिस्कस किए हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हम इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी को डिवाइड कर सकते हैं आज के टाइम से लेके 1947 तक। टोटल हम इसको सिक्स फेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा पहला जो फेज है वो क्या है, 47 से 62, यानी लगभग 15 साल का। फिर 62 से लेके 71 तक ये हमने डिस्कस किया, ये हो गया लगभग 9 ईयर्स का। फिर होगा 71 से 1991 तक का, यानी 20 ईयर्स तक का। हमने आज तीन फेज डिस्कस किए हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं, जो फेजेस हैं, उनको हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको भी बोरियत लगेगी और आप इतना भी नहीं करेंगे, तो आज इतना ही करते हैं। बाकी जो तीन फेजेस हैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।